नमस्कार दोस्तों, धर्म न्यूमरोलॉजी में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं 27 तारीख को जन्मे लोगों के बारे में। तो कैसे होते हैं 27 तारीख को जन्मे लोग? तो दोस्तों 27 तारीख की बात करें तो 2 + 7 = 9, तो इनका मूलांक हो गया 9। तो जब मंगल की बात करते हैं, 9 नंबर मंगल का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 7 नंबर केतु का है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 9 तारीख या 9 मूलांक वाले जो बोलेंगे हम 27 तारीख वालों को, तो इन लोगों के पास में सबसे अच्छी चीज़ होती है, पहली प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनको कभी तकलीफ नहीं होती है, इनकी लाइफ में ज़मीन जायदाद का प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो काफ़ी सक्सेस हो सकते हैं और इनको लक्की माना जाता है। 9 नंबर एनर्जी है, फायर एलिमेंट है। तो आज जो भी ये 27 तारीख वाले आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ही एनर्जिक होते हैं, इनकी बॉडी में हमेशा एक एनर्जी रहेंगे, ये जोश और फुर्ती ले रहेंगे। मतलब इनकी बॉडी में, उनकी लाइफस्टाइल में कभी आपको एनर्जी की कमी महसूस नहीं होगी, बिकॉज मंगल फायर एलिमेंट है, एनर्जी है, तो इनके पास में काफ़ी एनर्जी होती है। हाँ, साथ में ये शॉर्ट टेम्पर्ड आपको मिलेंगे, ये कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, इनको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन शॉर्ट टेम्पर्ड वाले बोला जा सकता है। इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, अगर आपको कुछ भी फंक्शन करना है, कुछ प्लान करना है, तो आप किसी 27 तारीख वाले के पास में जाकर के बात करिए, वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर प्लानिंग करके देंगे। तो 27 वालों के पास में गॉड गिफ्टेड प्लानिंग और प्रॉपर्टी के मामले में ये लोग लक्की माने जा सकते हैं। और इनको विरासत में बोले या बाप दादाओं का जो खानदानी जो भी ज़मीन जायदाद होती है या दौलत शौहरत जो भी होती है, तो वहाँ से भी इनको काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। 27 तारीख वाले ओपन नेचर होते हैं और सबके साथ में कॉम्पेटिबल होते हैं, ये सबके साथ में घुल मिल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग हैं वो सबके साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ लोगों के साथ में बनती है, कुछ लोगों के साथ में नहीं बनती है। लेकिन जब अपन 27 तारीख वालों की बात करते हैं तो वो ऐसे लोग होते हैं जो सबके साथ में बात कर लेते हैं, दे आर वेरी इंप्रेसिव, पहली बार में वो किसी को भी इंप्रेस कर लेते हैं और सबके साथ में ऐसे बात करते हैं जैसे सालों से उनको जानते हों। 27 तारीख वालों के बारे में एक और चीज़, ये अपनी लाइफ में डिसिप्लिन पसंद करते हैं, क्योंकि 9 नंबर मंगल का है और मंगल को सेनापति बोला गया, तो सेनापति को अपनी लाइफ की सारी चीज़ें सिस्टमेटिक चाहिए, तरीके से चाहिए, सिस्टम से चाहिए। तो इनको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत पसंद होता है और जहाँ पर भी कोई इनके साथ में इनडिसिप्लिन की बात करेगा तो ये वहाँ पर उसको अवॉइड करेंगे। उसके बाद में इनकी लाइफ में अगर कभी कुछ चैलेंजेस आ गए किसी भी चीज़ को लेकर के, तो ये चैलेंजेस को लाइफ में तकलीफें आ गई, कुछ भी आ गई, तो उसको एज ए चैलेंज लेते हैं, घबराते नहीं हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं जो हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, जॉब के इश्यूज आ गए, फैमिली इश्यूज आ गए, तो वो उसको लेकर के घबरा जाते हैं। बट 27 तारीख वाले उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको एज ए चैलेंज लेते हैं और एज ए चैलेंज उसको हरा करके, ख़त्म करके उससे निपट लेने की भी ताकत रखते हैं ये लोग। फायर एलिमेंट होने की वजह से ये लोग मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, अगर आप बॉडी वाइज भी उनको देखोगे तो उनकी बॉडी एकदम मजबूत मिलेगी, भले वो दुबले पतले हों, मोटे हों, कैसे भी हो, लेकिन उनके शरीर में एक ताकत होती है गॉड गिफ्टेड मंगल की वजह से। 27 तारीख में क्योंकि 2 और 7 दोनों नंबर हैं, उन दोनों को मिलकर 9 बन रहा है, तो काफ़ी हद तक ये भी देखा गया है कि 27 तारीख वाले जो जन्मे लोग हैं वो नादान भी होते हैं, थोड़े भोले भाले होते हैं और कई बार लोग इनको चीट करते हैं, ये लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों पे बड़े आसानी से भरोसा कर लेते हैं। तो 27 तारीख वालों को चाहिए कि वो लोगों पे इजीली भरोसा ना करें, थोड़ा सा सोच समझ कर ही भरोसा करें। 27 तारीख को जन्मे लोग क्योंकि इनका मूलांक 9 है जो कि मंगल है और ये कमांडर है, तो इनके पास भी परोपकार की भावना होती है, लोगों को साथ में लेके चलना पसंद करते हैं, लोगों के लिए काम करना पसंद करते हैं, हेल्पिंग नेचर इनमें भी होता है, ये कभी ऐसे डिसीजन लेने से घबराते नहीं है जहाँ पे लोगों का फ़ायदा हो, कंपैरेटिवली खुद के बजाय ये लोगों को और सबको साथ में लेकर के चलने वाले होते हैं, तो ये भी इनका बहुत अच्छा पॉजिटिव पार्ट होता है। 27 तारीख वाले जब भी ऑफिस में काम कर रहे हो, बिजनेस में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे उनको एक रेपुटेशन मिलता है क्योंकि ईमानदारी होती है, लोगों को साथ लेके चलने का आइडिया होता है और सबको हेल्पिंग नेचर के साथ में देखने का इनका जो नज़रिया होता है, साथ में ये लोग बुद्धि से भी मजबूत हैं, बॉडी से भी मजबूत हैं और हार्ड वर्किंग हैं,
तो उसकी वजह से इनको कार्य क्षेत्र में चाहे जॉब कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो उनमें भी उनको वैल्यू मिलता है, उनको रेस्पेक्ट मिलता है और सम्मान भी मिलता है। 27 तारीख वालों के बारे में एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर फाइनेंस की बात करें तो इनकी लाइफ में अचानक से फाइनेंस बढ़ जाएगा, अचानक से फाइनेंस कम हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि इनकी लाइफ में से फाइनेंस समझो गायब हो गया तो ये फाइनेंस है ना फटाफट से इसको निपट भी लेते हैं। तो फाइनेंस को लेकर के अप एंड डाउन इनके पास में आते हैं लेकिन ये हर चीज़ से निपटने के लिए तैयार होते हैं। 27 तारीख वालों के प्यार की बात करें तो प्यार के मामले में ये थोड़े शक्की होते हैं, कमांडर हैं तो शक तो करेंगे ये, और ये अपने लाइफ पार्टनर को या अपने प्रेमी को अपने हिसाब से चलने वाला एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब वो कोशिश करेंगे कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा वो चले, बट ये कई बार इनके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं भी होता है क्योंकि वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। कमांडर जो होता है वो अपने आजू बाजू के लोगों पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो इसकी वजह से कई बार ये जो 27 तारीख वाले हैं उनका और उनके लाइफ पार्टनर या उनके लव मेट के साथ में आर्ग्यूमेंट्स और तू-तू मैं-मैं होती रहती है। सत्ताईस तारीख वालों को शादी की भी बड़ी जल्दी होती है। ये लोग सोचते हैं कि जल्दी से कहीं लव अफेयर हो जाए, कोई उनको लव मेट मिल जाए और वो जल्दी से शादी कर लें और उसके साथ में सेट हो जाए। तो 27 तारीख वालों को शादी की थोड़ी सी जल्दी होती है। तो दोस्तों ये था 27 तारीख को जन्मे लोगों के बारे में। उम्मीद करता हूँ 27 तारीख को जन्मे लोग इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर आप कर सकते हैं, और अगर आपको ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वास्तु या किसी भी टॉपिक पे कुछ सीखना चाहते हैं तो धर्म ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक व्हाट्सएप सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम को लेकर के सवाल लोग के जवाब ढूंढ रहे हैं किसी ज्योतिषी के पास में या न्यूमरोलॉजी के पास में आप जाकर के अपनी लाइफ में कुछ परेशानियों के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए थक रहे हैं तो आप धर्म न्यूमरोलॉजी से ज़रूर जुड़िएगा। धर्म न्यूमरोलॉजी आए दिन अलग अलग लोगों के साथ में न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी या वास्तु के रिलेटेड आपके सवालों के जवाब देता है और आपकी लाइफ में कुछ न कुछ गाइडलाइन या उपायों के सहारे आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। काफ़ी लोगों ने धर्म ग्रुप से जुड़ करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाई है, तो आप भी ज़रूर ज्वाइन करें और अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। शुक्रिया दोस्तों।